बना है भाई, क्या टाइम पे बना है। क्या गया ये इसका, ये वो पूरा बिल्डिंग गिर गई। नमस्कार दोस्तों, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। कल का दिन तो मुंबई के लिए बहुत ही तकलीफ वाला दिन निकला। हमको लगा बहुत थोड़ी मोड़ी हवा चल रही है, लेकिन और बाहर से जो खबर मिली वो बहुत ही डराने और चौंकाने वाली खबर है। जो एडवर्टाइज का बड़ा वाला पोल रहता था उसको गिरने से नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। कल थोड़ी हवा दिख रही थी, हमारे यहाँ बारिश तो अच्छी खासी हो गई और हम लोग जाने वाले थे स्टूडियो, अच्छा हुआ नहीं गए क्योंकि हवा इतना ज़्यादा कि हमारे यहाँ भी खटर पटर की बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। बहुत जगह उड़ भी गया और टूटा भी है। पत्रे जो लगे थे ऊपर टेरिस के ऊपर लगे थे या लोगों के जो थे वो भी गिर गए हैं, तो अच्छा हुआ कल हम लोग नहीं गए। लेकिन आज तो सोच रहे हैं जाने के लिए। हमारे साथ में हैं वेदांति तिवारी, ये भी तैयार हो गई थी, कल भी तैयार हो गई थी, पूरा हम लोग तैयार ही में थे लेकिन कल जा ही नहीं पाए। अब आज सोचते कि आज हम लोग जाएं, कम से कम कुछ नहीं होगा तो डमी देकर आएं। ये देखो ये भी तैयार होके हमारे साथ में, जय माता जी, जाने के लिए तैयार है। और हम लोग अब निकलेंगे स्टूडियो के लिए। तो स्टूडियो में आज डमी देना है कि गाना गाना है? नहीं, आज डमी देना है। कौन से गाने का डमी देना है आज? आज सोहर है, अभी विवाह चालू है तो बहुत से बहन हमारी बोल रही हैं कि आप विवाह गीत गाइए, सोहर गाइए। अच्छा, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ स्टूडियो में और सोहर भी गाऊंगी और शादी विवाह का गाऊंगी और हंसी मजाक का भी गाऊंगी। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो गाना मैं गाऊंगी, आप लोग सुने और तिवारी जी के ब्लॉग पर भी देखिए, हमारे चैनल पर भी देखिए, और आपका सहयोग बना रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, गाना बिना गाने के पहले जो मुखड़ा है वो थोड़ा सुना दो तो अच्छा रहेगा। कौन सा गाना? बहुत है वो है, तू है लई चल बम्बई बाजार मझिला, तू है लई चल बम्बई बाजार मझिला, अरे रुपया लागे हजार मझिला, तू है लई चल बम्बई बाजार मझिला, फुलकी खवई बे समोसा खवई बे, फुलकी खवई बे समोसा खवई बे, अरे जिलेबी खवाई रसदार मझिला, तू है लई चल बम्बई बाजार मझिला। ठीक है, पूरा पोल मत खोलो, जो जो महिला है बड़ा है। नहीं गाना तो गाना है, वो बात जब गा ही रहे हैं तो गाएंगे और अच्छे से गाएंगे, ऐसा कोई बुरा तो नहीं है। नहीं बढ़िया है। और सोहर का बताओ, सोहर सबसे कैसा, क्या सोहर का कौन सा मुखड़ा है? ये सोहर है जो पति पत्नी में थोड़ा नोकझोंक हो जाता, बच्चे नहीं होते हैं, तो वही औरत जो है अपने पति से बोल रही है, गाना के माध्यम से बताती हूँ कि भोरे भाए हैं भीनु सरवा चीरइये लागी बोलाई हो, ए राजा छोड़ी देता हमाराया चरवा हम भुइया उठी बैठब, हम भुइया उठी बैठब हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोहर है आप हमारे वेदांति तिवारी ऑफिशियल पर ये सोहर आपको पूरा मिलेगा सुनने के लिए, और तिवारी जी के ब्लॉग पे भी एक दो लाइन तो जरूर जाएगा, आप लोग देखें और आशीर्वाद बनाए रखें तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों फिर निकलते हैं स्टूडियो के लिए और वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। जय श्री राम, जय माता। नमस्कार दोस्तों, आ गए हम लोग स्टूडियो में और स्टूडियो में ये चालू है रमेश भैया का, और नया नया डमी लेने के लिए अपने ये फुल ड्राइव में लगे हुए हैं यहाँ पे। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, घूम टहल के आ गए बाहर से हम लोग। अच्छा हो गया आज का भी जो प्रोग्राम था ठीक हुआ। एक दिन तैयार हुए तो उस दिन बारिश ज़्यादा थी, बहुत तूफान जैसे आ गया तो हम लोग जा नहीं पाए। आज स्टूडियो में भी गए, थोड़ा बाहर दोनों घूमने के लिए भी गए, घूम टहल के आ गए और अच्छा लगा बहुत। आप लोग भी अपना प्यारा और आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों। आपको मैं जगह जगह पे मिलता रहूँगा, बहुत से हमारे दोस्त लोग हैं कमेंट करके बात भी करते हैं, हालचाल भी पूछ रहे हैं, तो उन सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का भी और हमारा भी ये जो बरसात आई, तूफान आया, हम सब लोग सही सलामत हैं और अच्छे से हैं दोस्तों। फिर मैं आपको आगे कहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।